मित्रों जय माता दी, आप सभी का स्वागत है धर्म शिक्षा चैनल पर। मित्रों आज का ये वीडियो मैं खास करके लाया हूँ सुहागिन स्त्रियों के लिए। हर स्त्रियों की ये चाहत होती है कि वो अपनी अंतिम सांस तक सुहागिन ही रहे। जब तक उनकी सांस चले युगों युगों तक वो सुहागिन रहे, हमेशा के लिए सुहागिन रहे। और सुहाग की रक्षा के लिए सुहागिन स्त्रियाँ किनकी पूजा करती हैं? माँ गौरी की। और माँ गौरी की पूजा की जाती है नवरात्रि के अष्टमी के दिन। अष्टमी का जो दिन होता है ये होता है माँ गौरी का ही दिन। और सुहागिन स्त्रियाँ इस दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, सुहाग की रक्षा के लिए माँ गौरी की पूजा अर्चना करती है पूरे तन मन और धन से। तो अष्टमी के लिए मैं एक ऐसी पूजा विधि और उपाय लेकर आया हूँ जिसके मदद से माँ गौरी को सुहागिन स्त्रियाँ युगों युगों से प्रसन्न करती आ रही हैं। हो सकता है कुछ स्त्रियों को यह पता भी होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। तो अगर आपको पता है तो लाइक करें वीडियो का और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखें कि आप यह पूजा किस प्रकार से करती हैं। अगर आपको नहीं पता है, कुछ आप इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर भी आएगा, व्हाट्सएप पे हमसे संपर्क करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। वैसे मैं पूरी विधि पूरे विस्तार से इस वीडियो में बताने वाला हूँ, फिर भी अगर कुछ छूट जाए या कुछ कन्फ्यूजन रह जाए तो निसंकोच कमेंट बॉक्स में पूछें, व्हाट्सएप पे पूछें, कहीं भी पूछ सकते हैं आप। अगर आप ये वीडियो देख पा रही हैं तो अपने जो भी आपके बहन हैं, माताएं हैं, उनको जरूर शेयर करें। जिन भी सुहागिन स्त्री का आप भला चाहती हैं चाहते हैं, उनको भी इस पूजा का लाभ उठाने में उनकी मदद करें। इससे भी सौभाग्य और सुहाग में वृद्धि होती है, क्योंकि आपके द्वारा अगर किन्हीं व्यक्ति ने भी भगवान की, किसी भी भगवान की पूजा पाठ के लिए आप किसी और व्यक्ति को प्रेरित करते हैं तो इसका पुण्य आपको भी मिलता है। तो इसका लाभ उठावें। मैं आप सबको प्रेरित कर रहा हूँ तो उसका पुण्य मुझे मिलेगा। आपके द्वारा ये वीडियो किसी और को शेयर किया जाएगा तो वो पूजा करते हैं तो आपको भी मिलेगा। तो आइए बताता हूँ मैं अष्टमी के दिन क्या क्या करना है। सबसे पहले अष्टमी की तिथि जानना आवश्यक है, कब तक है। अष्टमी इस बार नवरात्रि में 6 अक्टूबर को पड़ रहा है, इस दिन रविवार है। और रविवार के दिन 2:15 तक ही अष्टमी रहेगा, 2:15 के बाद नवमी तिथि आरंभ हो जाएगी। तो हमें ये जो पूजा करनी है ये पूजा खत्म करनी है 2:15 से पहले पहले। और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा पूजा का, ये विशेष पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा दिन के 11:22 से लेकर दिन के 12:09 तक। इस समय पूजा आरंभ जरूर कर लें। बेहतर होगा कि आप 11:22-25 में ही आरंभ कर लें, यह सबसे उत्तम रहेगा। तो इसमें करना क्या है ये जानने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अपनी कॉपी और कलम निकालिए और लिखना शुरू कीजिए। आपको उस दिन ये पूजा, विशेष पूजा जो कि सुहाग की रक्षा के लिए, सौभाग्य में वृद्धि के लिए, हमेशा सुहागिन रहने के लिए किया जाता है, इनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो कॉपी कलम निकालिए और लिखना आरंभ कीजिए। सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक नारियल। नारियल जो छिला हुआ नारियल होता है, जिसको कि फोड़ते हैं मंदिर में, वो नारियल आपको चाहिए होगा एक। साथ ही पान चाहिए होगा आपको, डंडी वाला पान। आप सुनिश्चित कर लें कहीं से टूटा हुआ ना हो। कई पानों के जो नोक होते हैं वो टूटे हुए होते हैं, वो पान इसमें नहीं लेने। पान पूरे पूरे साबुत होने चाहिए और डंडी वाले पान होने चाहिए। ऐसे आपको 5 पान लेने हैं। और सुपारी लेने हैं आपके, गोल सुपारी, जो कि पूरी संपूर्ण सुपारी होती है, सुपारी भी कहीं से कटी नहीं होनी चाहिए, ये भी लेने हैं आपको 5। उसके बाद आपको लेनी है गांठ वाली हल्दी। गांठ वाली हल्दी आपको किसी भी पूजा स्थल में के पास जो दुकान होता है पूजा का, कहीं भी मिल जाएगा। तो गांठ वाली हल्दी भी आपको लेनी है 5। ये सभी चीज़ें, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ये सभी चीज़ें माँ गौरी को बहुत अत्यंत प्रिय है। तो 5 आपने पान लिया, 5 सुपारी लिया और 5 आपने गांठ वाली हल्दी ले ली। अब लिखिए आप, अक्षत आपको चाहिए होगा 500 ग्राम के आसपास, क्योंकि हमें 5 मुट्ठी निकालना है वहाँ पर अक्षत। तो देख लीजिए जितना भी आपको चाहिए होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 500 ग्राम अक्षत की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अक्षत में भी इस एक बात का ध्यान रखें कि चावल जो अक्षत में लेंगे आप, वो कहीं से भी टूटा हुआ ना हो। तो अच्छी क्वालिटी का चावल खरीदें जिसमें कि टूटे हुए चावल ना हो। टूटे हुए चावल को चढ़ाने से किसी भी देवी देवता को इसका फल अच्छा नहीं मिलता। तो टूटे हुए चावल अक्षत में नहीं चढ़ाना चाहिए। अक्षत अर्थात जिसकी कि क्षति ना हुई हो। तो बिना क्षति हुए वाले चावल आपको लेने हैं 500 ग्राम।
मिठाई लेने हैं आपको कम से कम पाँच, पाँच मिठाई लेने हैं। और मिठाई कोशिश कीजिए अगर सफ़ेद कलर की कोई मिठाई, दूध से बनी मिठाई मिल जाए तो उत्तम है, क्योंकि माँ गौरी को दूध से बनी हुई सफ़ेद कलर की मिठाई ज़्यादा पसंद है। फल लेने हैं आपको पाँच, ज़्यादा भी फल ले सकते हैं, मिठाई भी ज़्यादा ले सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ, जो आपको चाहिए ही, जिसकी की ज़रूरत है। दान करने की, चढ़ाने की कोई सीमा नहीं है। तो पाँच आपको चाहिए होंगे यहाँ पे फल, कोई भी फल, जो भी मौसमी फल है आप वो ले सकते हैं। आपको चाहिए होगा लौंग और इलायची, ये दोनों भी पाँच पाँच आपको चाहिए होंगे। साथ ही आपको चाहिए होंगे माँ गौरी को चढ़ाने के लिए लाल फूल, माँ गौरी को लाल फूल ही चढ़ाया जाता है, तो लाल फूल कुछ इतना रख लें अपने साथ उस दिन की पूजा अर्चना के लिए। अब आप लिखिए लाल रंग की आपको चाहिए होगी साड़ी। जब आप साड़ी खरीदेंगी तो आपको एक विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि साड़ी सस्ती हो या महंगी हो, आपकी ऊपर है ये, लेकिन साड़ी में कहीं भी कहीं से भी काला या सफ़ेद रंग नहीं होना चाहिए, पूरी की पूरी साड़ी लाल होनी चाहिए। और कोई रंग हो उसमें तो चलेगा, लेकिन सफ़ेद कलर नहीं होना चाहिए और काला रंग नहीं होना चाहिए, ये दोनों चीज़ें आप सुनिश्चित करें साड़ी को लेते समय। पहले ही दुकानदार को बता देंगे तो उसी तरह की साड़ी आपको दिखाएंगे, उसमें से जो भी साड़ी आपको पसंद है वो एक साड़ी खरीद लीजिए। आपको चाहिए होगा आप कुछ श्रृंगार का सामान, तो वो भी लिखिए। लाल रंग की चूड़ी चाहिए होगी आपको माता रानी को चढ़ाने के लिए, लाल चूड़ी ले ली आपने। अब लिखिए आप सिंदूर, सिंदूर भी आपको चाहिए होगा, इसके अलावा बिंदी चाहिए होगा, और श्रृंगार का जितना भी सामान होता है, जो भी चीज़ आप उपयोग में लाती हैं, वो सभी चीज़ें जितनी भी आप चढ़ा सकती हैं, जितना दान दे सकती हैं, उतनी चीज़ें खरीदते जाइए। अब बाकी श्रृंगार के सामान की जो है वो कोई सीमा नहीं है, लेकिन श्रृंगार के सामान में लाल चूड़ी, लाल सिंदूर और बिंदी निश्चित तौर पर होना चाहिए। इसके अलावा अलता, जिससे कि पैर रंगते हैं, वो निश्चित तौर पर होना चाहिए। उसके बाद आपकी मर्जी के ऊपर है, जितनी चीज़ें आप चढ़ाना चाहें अच्छी बात है। कुछ पैसे आपको चाहिए होंगे सिक्के माता रानी को चढ़ाने के लिए, और वहाँ पे पंडित जी जो होंगे उनको दक्षिणा देने के लिए, तो इन चीज़ों को आपकी ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ पे मैंने 16 चीज़ें बताएं आपको, 16 के 16 चीज़ें लिख लीजिए अच्छे से और पहले से ही खरीद कर रख लीजिए। आप भी उस दिन जब पूजा करने के लिए जाएंगे तो नए कपड़े पहनिए, हो सके तो अखंड कपड़े पहनिए जो कि पहली बार आप पहनते हैं, और कपड़े पहनने में भी सुनिश्चित करें कि काले और सफ़ेद रंग का कहीं भी समावेश ना हो, लाल रंग की साड़ी सबसे उत्तम। और जब पूजा करने आप जाएंगे तो 16 श्रृंगार जरूर करें। जब भी हम माँ गौरी की पूजा करने के लिए जाते हैं तो पूरे 16 तरह के श्रृंगार करके जाना चाहिए, क्योंकि माँ गौरी उसी समय वही आशीर्वाद देती हैं कि ऐसी ही बनी रहो, तो ऐसी ही बनी रहो के लिए वैसे ही बन के आपको जाना चाहिए। जो भी 16 तरह के श्रृंगार होते हैं साड़ी जरूर पहने, सूट वगैरह सलवार वगैरह में ना जाएं, क्योंकि वहाँ पे आपके आंचल का भी उपयोग मैं आपको अभी विधि में बताने वाला हूँ, तो आपको साड़ी ही पहननी चाहिए। अब आपने सामान लिख लिया, अब उस दिन मैंने आपको समय भी बता दिया, जैसे कि तो 11:22 से शुभ समय शुरू हो रहा है उस दिन का पूजा पाठ करने के लिए, सबसे उत्तम समय। शुभ समय कहना तो भूल हो गई मेरी, शुभ समय तो उस दिन अष्टमी का दिन है, तो पूरा दिन ही माता रानी का है, दिन के 2:15 तक माँ गौरी का दिन है। लेकिन इसमें भी जो सबसे अच्छा मुहूर्त बन रहा है वो बन रहा है 11:22 से लेकर 12:09 तक, इस समय में ही पूजा करें। और जब आप 16 श्रृंगार करके ये सारा सामान लेके जाएंगे मंदिर में, तो आपको क्या करना है, आपने जो साड़ी खरीदा है माता रानी के लिए वो साड़ी निकालें पैकेट में से, और उसको उसका जो आंचल होता है वो आंचल को बिछा दें थोड़ा दूर, और बाकी साड़ी को यहीं पे मोड़ के ही रखें। अब बिछे हुए माता रानी के साड़ी के आंचल पर पांच जो आपने पान लिए थे, पांचों पान को रख देना है इस तरह से, एक पान मध्यम में, एक पान इधर, एक पान इधर, एक इधर, एक इधर, एक पान बीच में, इस तरह से पान के पत्ते रखने आपको। और उसके बाद जो आपने लिया था सुपारी और चावल लिया था आपने, चावल एक एक मुट्ठी पहले पान पे डाल देंगे, पांचों पान पे आपने चावल डाल दिया, अब आप रखेंगे उसके ऊपर, चावल के ऊपर सुपारी, सुपारी पांचों पान पे सुपारी रख दीजिए, और पांच सिक्के लीजिए, पांच सिक्के भी हर पान पे रख दीजिए। मिठाई आपने लिया है पाँच, पाँच मिठाई भी हर पान के पत्ते पर रख दीजिए। साथ ही फल आपने लिया था पाँच, पाँचों पानों पर फल रख लीजिए।
अब लिया था आपने लौंग इलायची, उन्हें भी पांचों पान पे एक एक करके रख दीजिए। सिंगार का सामान आपके था पास, सिंगार का सारा सामान बीच वाले पान के ऊपर के पत्ते के ऊपर रखें, जो भी सामान था आपका पूरा सिंगार का सामान। पैसे भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि पांचों पान के ऊपर पांच सिक्के रख दें। अब लाल फूल आपको कम से कम पांच तो चाहिए ही, पांचों पान के ऊपर रखने के लिए और बाकी जो आप पूजा अर्चना करते हैं उसके लिए। ये जो आपको करना है, जो आंचल पे मैं अभी विधि बता रहा हूँ, ये आप विधिवत पूजा अर्चना जो माँ दुर्गा की करने के लिए मंदिर में गए हैं तो माँ दुर्गा की तो पूजा करेंगे ही, तो ये आप पूजा पहले ही अपनी कर लें। जो सामान्य पूजा होती है जो हर रोज करते हैं, पूजा करने के बाद ये आपको विधि करनी है। अब जो नारियल है, नारियल को फोड़ना है, तोड़ना है उसे माता रानी को चढ़ाने के लिए, लेकिन स्त्रियों का शास्त्र में नारियल तोड़ना वर्जित है, हमेशा याद रखें। तो आपको नारियल देना है पंडित जी को तोड़ने के लिए, या आपके साथ आपके पति हैं या कोई भी पुरुष है तो उनको दें नारियल तोड़ने के लिए। ना ही लड़की नारियल तोड़ें, ना ही सुहागिन स्त्रियाँ नारियल तोड़ें। नारियल तोड़ने से ऐसी शास्त्र में मान्यता है कि आप अपने कोख को तोड़ देती हैं, तो ये सर्वथा वर्जित है। नारियल में जीवन माना गया है, जीवन होता है इसमें, तो ये कोई पुरुष ही तोड़े, हमेशा स्त्रियों को बचना चाहिए इससे। तो नारियल तोड़ने के बाद प्रसाद माता रानी को नारियल का चढ़ाएं जरूर। और ये जो अपने सारा चीज़ें यहाँ पे रखा है उसमें से सिंदूर को खोल के माता रानी के चरणों में जरूर अर्पित करें, माता रानी को सिंदूर चढ़ा दें और सिंदूर का पैकेट वापस से रख दें वहीं पे। अब थोड़ा जल लेना होगा और जल से इस तरह से सीधे हाथ की तरफ से, इस तरह से जिस तरह से घड़ी चलती है ना, उस तरह से जल को करना है और माता रानी को प्रणाम करना है। और प्रणाम करते हुए मंत्र बोलना है, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अगर आपको ये मंत्र याद नहीं है, नहीं बोलने में बन रहा, तो आप हिंदी में ही माता रानी से मन ही मन, या जो भी आपकी मातृभाषा है उसी भाषा में, माता रानी हर भाषा को समझती हैं, प्रणाम करके आंखें बंद करके माता रानी से विनती कीजिए कि माता रानी मैं इसी तरह हमेशा के लिए सुहागन बनी रहूं, सौभाग्य की प्राप्ति मुझे होती रहे, जो अवस्था मेरी अभी है ऐसी सजी धजी गहनों से लदी हुई मैं हमेशा जीवन भर रहूं, ऐसा मुझे आप वरदान दीजिए। मैं आपको भी सिंगार का सारा सामान, ये सामान अर्पित करती हूं जो आपकी प्रिय चीज़ें हैं, और मुझे भी ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं ऐसी ही भरी पूरी हमेशा रहूं, सुहागिन बनी रहूं। इस तरह से कामना करते हुए अब जो आपने माता रानी के साड़ी के लिए आंचल लिया था उसके ऊपर पान के पत्ते वगैरह रखे थे, उसको इस तरह से मोड़ना है और उसकी गांठ बांध देनी है, माता रानी के आंचल में ही गांठ बांध देनी है और माता रानी की साड़ी के साथ माता रानी के जहाँ की मूर्ति है मंदिर में वहाँ पे चरणों में माता रानी के अर्पित कर देनी है और फिर से प्रणाम करनी है और माता रानी से इसी प्रकार की कामना फिर से रखनी है कि माता रानी मुझे इसी तरह भरे पूरे हमेशा रखो और हमेशा सुहागन बनाए रखो जब तक मैं भी इस पृथ्वी पे हूँ। इस तरह से कामना करते हुए और माता रानी के चरणों में सिंदूर पड़ा होता है, सिंदूर को अपने मांग में लगा लें जरूर उसी समय, और पंडित जी से बोलें कि थोड़ा सिंदूर आपको वो दे दें, पंडित जी को दक्षिणा दें और पंडित जी से थोड़ा सिंदूर मांगें। जो माता रानी के चरणों पर चढ़ा हुआ सिंदूर रहता है, बहुत सारे लोग चढ़ाते हैं तो बहुत सारा सिंदूर वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, तो वो सिंदूर आप पंडित जी से मांगें और पंडित जी से लें कैसे, अपना जो साड़ी आपने पहना हुआ है साड़ी का आँचल निकालें और आँचल को इस तरह से करते हुए दोनों हाथों के करते हुए आँचल ऊपर रखें, उस पर सिंदूर लें और उसको अच्छे से बांध लें ताकि वो जो सिंदूर है वो कहीं गिरने ना पाए, किसी का पैर उसके पे आपके कारण ना लग पाए। अब वो जो सिंदूर जितना भी आपको मिला है मंदिर से वो घर लेते हैं और हर रोज़ लगाएं, ये माता रानी का आशीर्वाद होता है। तो ये विधि बताई मैंने, ये सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और सुहागिन बनी रहने के लिए हमेशा के लिए बहुत ही कारगर उपाय और कारगर पूजा पाठ है जो कि माँ गौरी के लिए किया जाता है। निश्चित तौर पर करें और दूसरों तक भी शेयर करें, आपके कारण अगर कोई और भी कर पाए तो उसमें आपका भी भला मेरा भी भला। तो इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहें धर्म शिक्षा। जय माता दी।